आज हम लोग डिजाइनिंग पॉटरी में पॉट डेकोरेशन या जो भी पॉटरी से रिलेटेड काम है, इसमें हम लोग डिजाइनिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हम उसका लेआउट कैसे बनाते हैं, कैसे कंपोजिशन करते हैं, ये सारा चीज हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने कॉपी में आपको लेआउट बनाने के लिए बताएंगे कि कैसे, जैसे ये एक स्क्वायर बॉक्स लाइन खींचेंगे और इसको हम कंपोज करेंगे। ज्यादातर हम सबसे पहले शुरुआत में ज्योमेट्रिकल करते हैं और इसका जो डिजाइन पैटर्न होता है पॉट डेकोरेशन में, वो ज्यादातर ज्योमेट्रिकल और बहुत बोल्ड पैटर्न में बनता है। इसमें बहुत बारीकी में बहुत फाइन डिजाइनिंग नक्काशी वो ज्यादातर नहीं होता है, ज्यादातर ज्योमेट्रिकल होता है। और इसमें ऑर्नामेंटल डिजाइन भी होता है, तो वो बहुत काफी प्रिंटेड पैटर्न में बहुत सारा आजकल स्टैन और स्टिकर यूज होता है। तो सिंपली हम एक पॉट को डेकोरेट करेंगे जो हमारा टेराकोटा का पॉट है और वो हम कलर से करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम जो है जनरली जो पैटर्न है वो हम एक डेकोरेट कर रहे हैं। तो हम जैसे ये स्क्वायर बॉक्स है, इसको हम ऐसे डिवाइड करें तो ये चार साइड का, ये चार साइड का स्पेस हमारा आ गया। अब इसमें हम बीच में ये जो क्रॉस जा रहा है उसको छोड़ करके इसके बीच के जगह को लेंगे ये, फिर इसमें ऐसे, फिर इस तरीके से, तो ये ट्रायंगल शेप अंदर बन चुका है, ये चार ट्रायंगल आ गया और ये हमारा बीच में ये लाइनिंग के लिए छूट गया। तो इसके अंदर हम कुछ पैटर्न कुछ भी बनाते हैं, जैसे ये हमने एक पैटर्न को ज्योमेट्रिकल शेप में बनाने जा रहे हैं, तो ये हम बना चुके हैं। अब इसको हम एक डार्क लाइन करेंगे, ताकि ये शेप से थोड़ा सा अलग हो जाए और हम चारों में सेम चीज को रिपीट करेंगे। इसी तरह के इसमें भी ज्योमेट्रिकल डिजाइन में सबसे खासियत है की बात है कि इसमें हम सबसे ज्यादा ज्योमेट्रिकल प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल में डिजाइन के साथ साथ एक स्ट्रक्चरल फॉर्म क्रिएट करता है जो किसी भी डिजाइन के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है। तो जो ज्योमेट्रिकल अच्छे से कर लेते हैं उनके लिए कोई भी डिजाइन करना आसानी होता है। हम स्पेस का एक डिवीजन करके ये हम एक पैटर्न बना चुके हैं जो हम ये सिमेट्रिकल डिजाइन फॉर्म में, ये हमारा एक डिजाइन निकला और बहुत ही बोल्ड है ये देख सकते हैं बहुत ही बोल्ड है। अब इसको हम थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, ये जो स्पेस है इसको कवर करने के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसा हम सर्कल सर्कल छोटा छोटा बनाए, इस तरीके से ये हमारा एक डिजाइन बन गया स्क्वायर के लिए। इस तरह अगर हमारे पास अगर
इस तरीके से प्लेट हो, ये प्लेट में हमको डिजाइन करना है, तो हम इस तरह का सर्कल में कंपोज करेंगे पहले। उस सर्कल में हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म को लेकर के, पैटर्न को लेकर के इसमें डिजाइन कर सकते हैं। हमको पूरा करना है या फिर सिर्फ साइड में करना है, तो उस तरीके से दोनों तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर हम कुछ फिगरेटिव करते हैं तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं, या कुछ डिजाइन को लेकर के हम बनाना चाहें तो भी ये हमारा हो सकता है। तो ये कुछ भी इसमें हम प्लान करके एक उसको एक डिजाइन दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक बर्ड का पैटर्न को लेकर के इसमें ड्राइंग कर दिया। अब इसको हम डिजाइन के रूप में कैसे चेंज करेंगे, वो डिजाइन लगे इस तरीके से हम ये प्लेट के ऊपर ये डिजाइन कर लें, और ये जो स्पेस बचा हुआ है इसको भी बैलेंस करने के लिए कुछ इस तरह का यहाँ पर बना दिए। तो ये दोनों चीजें इस प्लेट के ऊपर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये आ सकता है। इसी तरीके से जिसको हमको डार्क करना है, जहां पर कलर भरना है उसको डार्क करना है, इस तरह कई सारा डिजाइन पैटर्न हमने पहले बना के रखा है। ये छोटे छोटे रिपीट, ये डिजाइन को रिपीट कैसे करके वो बनाया जाता है, ये एक पैटर्न है। तो जैसा हम जैसा शेप चाहे देना उस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। कुछ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को भी लेकर के हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये एक तरह का अलग अलग फॉर्म को अलग अलग शेप के पॉट्स में हम यूज कर सकते हैं, बाउल में यूज कर सकते हैं, कप, प्लेट, ग्लास और फ्लावर वेस, सब चीज़ों में अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न को यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि डिज़ाइन खुद से बनाना। डिज़ाइन बनाने के लिए आप बहुत सारे कुछ भी चीज़ को डिज़ाइन में कंपोज करना, ये प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से होता है। और बेसिक यही है कि आप एक फॉर्म लोगे कि ज्योमेट्रिकल शेप में स्क्वायर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, तो ये जितने भी तरह का शेप है इसको सबसे पहले बात है कि इसको हमको कंपोज करने के लिए जानना पड़ेगा कि हम कैसे उस स्पेस को ड्राइंग से उसको भरना है। तो ये हम इस तरीके से, हम जैसे यहाँ पर एक एलिफेंट बनाए तो ये हमारा ये पूरा का पूरा एक जो रेक्टेंगल फॉर्म है ये पूरा स्पेस को कवर कर लिया, और थोड़ा सा ये जगह बचा है, इस स्पेस को हम यहाँ पर ऐसे कुछ सर्कल बना करके इसको कवर कर लिया, तो ये हमारा पूरा एक कंपोजिशन हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम इसको बार बार रिपीट करेंगे तो ये पूरा एक पैटर्न बनता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से डिज़ाइन होता है। और जैसे कि हम इसमें आउटलाइन किए हैं और इसको हम डार्क करेंगे, अगर हम इस पिक्चर को, इस ड्राइंग को डार्क करेंगे तो बैकग्राउंड हमारा लाइट रहेगा, अगर बैकग्राउंड को हम लाइट करेंगे तो ये हमारा डार्क होगा। इस तरीके से अब हम लोग पॉट को कैसे डिवीजन करते हैं, पॉट को कैसे काम करेंगे डिजाइनिंग का, वो हम बताने जा रहे हैं। जैसे ये हमारा पॉट है टेराकोटा का, इसको हम अच्छे से पेंट कर सकते हैं, प्लास्टिक इमल्सन पेंट यूज कर सकते हैं, एनामेल पेंट यूज कर सकते हैं, और ये शेप जो है, इस शेप का वॉल्यूम जो है ज़्यादा निकला हुआ है, और इसमें किस तरह का पैटर्न अच्छा लगेगा ये हमको तय करना है।
उससे पहले इसको हम स्पेस डिवीजन करते हैं, स्पेस को कैसे बांटा जाए, और सेम पैटर्न तीनों तरफ, वो जितनी तरफ का पैटर्न बनेगा बराबर बराबर होना चाहिए, नहीं तो वो अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको हम तीन भाग में, ये सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से हम इसको तीन भाग में डिवाइड कर लिए। इस लाइन को लेके कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। फिर ये दूसरा वाला, इसको सीधा हम खींच लिए तो हमारा ये स्पेस, ये पूरा पॉट तीन भाग में निकल गया, एक दो तीन, और तीनों के बीच में बराबर बराबर स्पेस हम डिवाइड कर चुके हैं। अब इसे जो भी हम एक साइड बनाएंगे वो दूसरे, और दूसरे के बाद फिर तीसरा, तो हम जो भी इसमें से पैटर्न लेंगे, कुछ भी ड्राइंग करते हैं, तो वो हमारा चारों तरफ से वो एक जैसा बनेगा। तो हम पहले एक लेआउट को ड्रॉ कर रहे हैं जिससे हम एक ये एलिफेंट वाला ही डिजाइन को हम इसमें फाइनल कर रहे हैं। तो हम इस शेप को, इस डिजाइन को बनाने के लिए ये हम इसमें ये ड्राइंग कर चुके हैं, ये ड्राइंग। अब ये जो स्पेस बचा है इसको हम यूज करेंगे, यहां पर कुछ ऐसा चीज बनाएंगे जो इसको पूरा स्पेस को कवर कर ले, इस तरह एक फ्लावर का ड्राइंग कर दिए हमको, और फिर इसको ये हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको अब कलर करते हैं। कुछ कलर हम कुछ पहले से कलर करके रखे हुए हैं उस पॉट को, कुछ पार्ट में हम कलर उसमें करेंगे और फिर दिखाएंगे। सेम हम ये जो डिजाइन है इसको इधर भी ऐसे ही बनाएंगे और फिर इसके तीसरे साइड में भी बनाए, तो ये बराबर बराबर तीनों तरफ बन जाएगा और स्पेस बहुत सही से। ये छोटा सा पॉट है उसको डिजाइन किया है, और इसके लिए ये फ्लैश टिंट कलर एक्रेलिक का हम यूज करें। इसमें ब्लैक से हम पहले कर चुके हैं, और जैसे ये जो स्पेस बचा हुआ है इसमें हम ये फ्लैस्टिंग कलर डाल रहे हैं जो बहुत लाइट, बिल्कुल वाइट के करीब करीब ही होता है, तो इसलिए ये ब्लैक से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट होगा। जो देखने में सुंदर बनेगा,
और हमने इसमें इसका बेस में जो कलर यूज किया है वो प्लास्टिक इमल्सन कलर है जो किसी भी हार्डवेयर शॉप में इजिली मिल जाता है और वो कलर बहुत फिक्स होता है, वो देखने में बहुत अच्छा भी होता है और वो टेराकोटा पॉट के बेस के साथ में वो कलर बिल्कुल मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है और बहुत ग्लॉसी नहीं होता है ये कलर, थोड़ा सा मैटनेस इफेक्ट होता है जो बिल्कुल नेचुरल टेराकोटा पॉट की तरह ही लगता है और वो उसका कलर अलग से नहीं, शाइनिंग ज़्यादा नहीं करता है तो बिल्कुल नेचुरल लगता है कि ये बिल्कुल टेराकोटा जस्ट बेकिंग के बाद जो है हम उस पर काम किए हैं। तो ये बड़ा अच्छा ही कलर ये होता है और कलर इसका बहुत ड्यूरेबल है, कलर खराब नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक ये कलर रह जाएगा। और जो जो हमने ब्लैक यूज किया है वहां पर हमने ये जो स्पेस व्हाइट के लिए बचा हुआ है, जो ब्लैंक है उस पर हम व्हाइट भर रहे हैं। तो ये हमारा डिजाइन, ये पूरा पैटर्न बन के कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर हुआ है और ये जरूरी इसके ऊपर जो लीड लगा हुआ होता है इसके ऊपर हमने ये टेराकोटा ब्रिक डस्ट से बना करके इसके ऊपर ये पकड़ने के लिए ये लगा दिया है और ये कलर करने के बाद एक खूबसूरत एक सुंदर सा एक पॉट हमारे सामने जो जनरल टेराकोटा कहीं भी आपको ये मिल जाएगा और उसको एक अलग ब्यूटी उसका बढ़ जाता है और ये कलेक्शन के लिए एक एंटीक पीस के रूप में हमारे पास है। तो ये हम तरह तरह का और भी शेप में ड्रॉइंग कर सकते हैं और कुछ पॉट्स को जैसे ये हमने एक बना के रखा है, ये जनरल जो कलश होता है इसमें हमने व्हाइट करना व्हाइट नहीं किया है, बिल्कुल इसको ब्लैक ही रखे हैं और ये हमने अलग से लगाया है। ये उसी तरीके से जो टेराकोटा रेड ब्रिक्स का जो डस्ट है उसको फेविकोल में मिला करके और इसके ऊपर पेस्ट कर दिए हैं तो बिल्कुल ये मजबूत हो गया और ठीक इस तरीके से उसके ऊपर हमने ये ढक्कन के ऊपर लगाया है और इस पर ये डिज़ाइन किया है ब्लैक में। तो ये हमारा एक छोटा सा जार के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का जो शेप में मिलता है मार्केट में उसको हम एक कुछ नया थोड़ा सा करके एक अलग तरह का हम काम कर सकते हैं, एक उसको एक अलग नया रूप दे सकते हैं और डिज़ाइन करने के बाद ये बिल्कुल ही खूबसूरत एक पॉट इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं और ये ऐसी ही शो पीस के रूप में भी आप घर में रख सकते हैं। बहुत ही ये सुंदर लग रहा है और इस तरीके से बहुत तरह का शेप है, जैसे ये एक बड़ा सा पॉट है जिसको अलग अलग कलर इसमें हमने यूज किया है, रेड है, वाइट है, ऑरेंज है, ब्लैक है, ब्लैक से आउटलाइन किए हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम स्पेस को डिवीजन करके एक पैटर्न को जब हम बनाते हैं तो एक जितना एरिया होता है एक पार्ट में
वो उतना ही सेम दूसरे पार्ट में वो जाके रिपीट होता है, और वो तीसरा ठीक तीसरे के साथ में जाके जोड़ करके वो पूरा एक कंप्लीट पैटर्न हमारा ये गोलाई में तैयार हो गया, ये देख सकते हैं। तो ये जो शेप है ये बहुत ही सुंदर शेप है, ये बहुत पुराना शेप है, और ये हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पॉट देखते हैं उस पॉट्स में जो भी डिजाइन है या जो बनावट है वो बिल्कुल उस तरीके का ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये पेंट करने के बाद इस डिजाइन में ये इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई है। तो ये साधारण जो मार्केट में मिलता है ये ही पॉट है, जो देखने में बिल्कुल हम इसको एक अलग शेप दे चुके हैं। अब जैसे हमने ये एक पॉट बनाया है, इसमें हमने जो डिजाइन किया है इसमें ज्यादातर बहुत बोल्ड बोल्ड पैटर्न को यूज किया है, इसको भी हम व्हाइट इसके ऊपर भी कर सकते हैं, जस्ट व्हाइट या कोई भी लाइट कलर फ्लैश टिंट कलर को भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो स्पेस जो बचा हुआ है जहां पर ऑरेंज दिख रहा है यहां हम व्हाइट कर सकते हैं, तो ब्लैक और व्हाइट दो कंट्रास्ट कलर है और दोनों ही ज्यादा सुंदर लगता है डिजाइन में, दो कंट्रास्ट कलर एक दूसरे का विरोधी कलर जो मिलते हैं तो वो ज्यादा उसकी ब्यूटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बनाने के ऊपर है कि हम कैसे कलर को यूज करें और कौन सा कलर ज्यादा सुटेबल होगा। जैसे यहाँ पर ज्यादातर डिजाइन में कंट्रास्ट कलर यूज करते हैं, ब्लैक के साथ व्हाइट एक दूसरे का कंट्रास्ट है, उसी तरह रेड और ग्रीन एक दूसरे का कंट्रास्ट है, ऑरेंज और पर्पल एक दूसरे का कंट्रास्ट है, ब्लू और ऑरेंज एक दूसरे का कंट्रास्ट है, तो एक दूसरे का विरोधी कलर है। तो ये इस तरीके से हम इस पर व्हाइट भर के लाइट कलर करके इसकी जो डिजाइनिंग पैटर्न है इसको और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, और ब्लैक और ज्यादा निखर के आ जाता है सामने। तो जस्ट हमने जो डिजाइन बनाया है उसका जो नेगेटिव जो बचा है जगह उस पर हम ये व्हाइट को फिल कर रहे हैं। ये एक्रेलिक कलर है, फैब्रिक एक्रेलिक कलर फैब्रिक कलर यूज कर सकते हैं इसको, और ये कलर फिक्स हो जाता है बिल्कुल, कलर खराब भी नहीं होता है और इसमें एक शाइनिंग बनी रहती है कलर की। तो इसलिए जब भी यूज करेंगे पॉट में एक्रेलिक कलर यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरीके से हम और इसको जैसे जहां जहां ये ब्लैंक है वहां पर हम व्हाइट भर रहे हैं। ये हमारा इस तरीके से ये बनते जाएगा और ये पूरा डिजाइन निकल के और ऊपर के आएगा,
तो इस तरीके से हम बहुत सारे पॉट्स को घर में इस तरीके से एक नया शेप भी दे सकते हैं और डिजाइन बना करके उसको एक कंप्लीट सुंदर एक स्वरूप इस पॉट को दे सकते हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये काम है और क्लास 7 से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको घर में अच्छे से बनाओगे, क्योंकि ये सारा मटेरियल बड़ा बड़ा अवेलेबल मिलेगा आपको। सिर्फ इसे डिजाइनिंग करना है, कुछ अगर जोड़ करके उसको कुछ शेप देना है तो वो भी दे सकते हैं, और एक आपके पास कलेक्शन के लिए एंटिक पीस बन जाएगा ये पॉट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बनाएंगे।